hello students good morning this is your english class and i'm a teacher smriti miss and today in this class i'm going to explain you t-blend words okay students so today we will be learning about different words we will be learning about different words made from t and different other consonant sound okay so we are going to learn t-blend words okay so now let's start so students now let's start t-blend words okay

जो हम लोग करते हैं ना हैंडी क्राफ्ट मतलब हाथ से बना हुआ चीज़ें है ना हस्तशिल्प वगैरह भी बोलते हैं राइट आई थिंक सो क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प ओके okay, जो हाथ से बना हुआ चीज़ों को बोला जाता है क्राफ्ट ओके अनदर इज एल ई एफ टी लेफ्ट एल ई एफ टी लेफ्ट लेफ्ट मतलब बाया ओके okay, बाया ठीक है डायरेक्शन जैसे कि राइट right मतलब दाइना लेफ्ट मतलब माया ओके अनादर इज एल आई एफ टी लिफ्ट एल आई एफ टी लिफ्ट लिफ्ट मतलब उठाना ओके okay? लिफ्ट का मतलब होता है उठाना अनादर इज एस ओ एफ टी सॉफ्ट एस ओ एफ टी सॉफ्ट सॉफ्ट मीन्स नरम ओके okay? सॉफ्ट का मतलब होता है एकदम नरम

मिस्ट मतलब धुंध जैसे कि जब एकदम ठंडा होता है ना एकदम धुंध लगा हुआ रहता है जो एकदम क्या बोलते हैं जैसे कुआसा टाइप का डैट इज कॉल्ड मिस्ट ओके अनादर इज टी आर यू एस टी ट्रस्ट टी आर यू एस टी ट्रस्ट ट्रस्ट मतलब विश्वास ओके okay? ट्रस्ट करना मतलब विश्वास करना भरोसा करना अनदर इज सी ओ एस टी कॉस्ट C O S T कॉस्ट कॉस्ट मतलब दाम मतलब कोई भी चीज़ का दाम जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए सामान खरीदने के लिए तो पहले हम लोग का प्राइस पूछते हैं कितना दाम इसका क्या कितना दाम है ना तो कॉस्ट मतलब होता है दाम कोई भी चीज़ का प्राइस ओके अनदर इज एन ई एस टी नेस्ट एन ई एस टी नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है घोंसला ओके okay? चिड़ियों चिड़ियों का घोंसला that is called nest house of a bird okay another word is j u s t just j u s t just Just ka matlab hota hai keval okay just matlab keval now let's see some other words now this word is made from nt sound okay these words are made from nt sound so now let's read these words okay F A I N T faint, F A I N T faint faint मतलब होता है बेहोश होना ओके okay? जब हम लोग कभी कभी बीमारी के कारण है कोई इलनेस के कारण जैसे थकावट ज़्यादा हो वीकनेस ज़्यादा हो तो क्या हो जाते हैं हम लोग बेहोश हो जाते हैं है ना फेंट हो जाते हैं तो फेंट का मतलब होता है बेहोश होना ओके अनदर इज एम आई एन mint, एम आई N टी मिंट मिंट मतलब होता है ये एक हर्ब होता है और इसको हिंदी में बोला जाता है पुदीना जिसको हम लोग मेडिसिन भी खाते हैं जैसे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम वगैरह होता है तो हम लोग पुदीना खाते हैं ना पुदीना का दवाई पीते पुदी हरा खाते हैं जो पुदीना मिंट से बना हुआ हो, होता है ओके okay? ये पुदीना क्या होता है एक हर्ब होता है ठीक है ये मेडिसिनल प्लांट है इससे दवाइयाँ बनती है इसलिए इसको मेडिसिनल प्लांट भी कहा जाता है ओके अनादर इज़ ंदु पॉइंट मीन्स बिंदु अनादर इज आर ई एन टी रेंट आर ई एन टी रेंट रेंट का मतलब होता है किराया ओके जैसे कि हम लोग घर रेंट में लेते हैं दुकान रेंट पे लेते हैं जिसका हम लोग क्या करते है? किराया तीरते मत देते ओके okay? किराया देते दैट इज कॉल रेंट ओके रेंट मतलब होता है किराया अनदर इज टी ई एन टी टेंट टी ई एन टी टेंट टेंट का मतलब होता है एक टेम्पररी हाउस ओके जैसे कि पंडाल वगैरह लगाते हैं है ना तो उसको भी टेंट बोला जाता है जैसे शादी वगैरह में पूजा वगैरह भी होता है तो भी हम लोग क्या करते हैं टेंट लगाते हैं जैसे कि हाइकिंग के लिए माउंटेन एरिया तब जाते हैं है ना तब तो भी हम लोग क्या करते हैं मतलब पहाड़ों में जंगलों के रास्ते में घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर अगर हम लोग को रुकना पड़े तो हम लोग क्या लगाते हैं टेंट लगाते हैं ओके इट इज़ अ टेम्पररी हाउस ओके दैट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ कपड़ा वगैरह से हम लोग क्या करके बनाते हैं टेंट है ना वो मतलब सब लकड़ी और कपड़े की मदद से हम लोग एक टेम्पररी रहने के लिए एक एरिया बनाते हैं अपना शेल्टर के लिए दैट इज कॉल्ड टेंट अनादर इज एस ई एन टी सेंट एस ई एन टी सेंट सेंट का मतलब होता है भेज दिया या फिर भेजना जैसे कि आज मैंने उसको पैसा भेज दिया ऐसे बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है सेंट सो स्टूडेंट्स दिस वॉज टी ब्लेंड वर्ड्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टी ब्लैंड वर्ड्स सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव नाइस डे कीप लर्निंग ओके